एक किस राज्य में मतदान हुए तो आपका अब किस सरकार के साथ सपोर्ट है, किसे चाहते हैं? मोदी सरकार तो मोदी जी की है। मोदी बीजेपी नरेंद्र मोदी केंद्र में तो बीजेपी आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बीजेपी की मोहल सत्ता में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमेशा रहेंगे हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी तो ये भी बोलते मैं ऐसी मशीन लाऊंगा जिसमें आप क्या आलू डालो दे सोना निकलेगा। बाहर वाली कंट्रियां मोदी को इतना मानती है। राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? मैडम बहुत ही मुश्किल है, अगर उनकी किस्मत अच्छी हो तो वैसे लगते नहीं। दिल्ली में तो खासकर बीजेपी और आनी चाहिए क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट एक हो जाए तो ज्यादा अच्छा काम होगा। भारतीय जनता पार्टी रहेगी, हमेशा कायम रहेगी। क्यों रहनी चाहिए? मैं मेरे प्रिय हैं वो। कांग्रेस पसंद नहीं है? नहीं। राहुल गांधी? नहीं। कांग्रेस तो पहले लूट के जा चुकी है। गठबंधन क्या ठगबंधन है? कांग्रेस में कोई हमको चेहरा भी नहीं दिखाई देता है। जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को आगे खींचेगी तब तक कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। जब राजीव गांधी मरा था उस तक डीएनए सैंपल राहुल गांधी का क्यों नहीं दिया? पूरी राजनीति के अंदर सभी दलों के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो पीएम मोदी को टक्कर देता हो। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह। लोकतंत्र का त्यौहार यानी कि मतदान आज से शुरू हो गए, लोकसभा चुनाव के आज से मतदान शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब जनता से जानना ये और ज़रूरी हो गया है कि वो किसे चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं और वो कौन सी सरकार पर अपना भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि उनके साथ है। तो चलिए जनता से ही जानते हैं कि अब वो किसे चाहते हैं। तो क्या नाम होगा सर आपका? जी क्या नाम होगा? शमशेर। तो सर अब आज मतदान हुए, 21 राज्यों में मतदान हुए तो आपका अब किस सरकार के साथ सपोर्ट है, किसे चाहते हैं? मोदी 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 ही क्यों? मोदी बस क्यों? कुछ तो खास वजह होगी कि मोदी आए। अखंड हिंदू राष्ट्र। अच्छा, आपको चाहिए हिंदू राष्ट्र बस इसलिए? बस मोदी। अच्छा, और उनके कार्यों के बारे में क्या कहना चाहिए? धारा 370, राम मंदिर, UCC, इसलिए चाहते हैं वो आए। कांग्रेस को मौका नहीं देंगे? एक बार कांग्रेस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ, आप क्या कह रहे थे? नहीं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? जाहिर सी बात है, सब तो पता है। वो तो किसकी? बीजेपी। बीजेपी। बहुत मुस्कुरा के जवाब दिया आपने ये। हाँ, बीजेपी आएगी। हाँ, क्यों आनी चाहिए? एक्चुअल में बीजेपी ना, बीजेपी तो नहीं, धैर्य उनके कुछ नेता ऐसे हैं जो भी पॉलिटिशियन है कुछ, वो बहुत अच्छे हैं, वो देशभक्त हैं। अगर आपने सुना होगा कि हम 1992 या 1991 में IMF पे गए थे तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, ये मालूम है आप? तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? श्री डॉक्टर मनमोहन यही थे ना, IMF पे गए थे। पर उन्होंने नरसिम्हा राव जी से पूछा था जो प्रधानमंत्री थे, हम IMF पे जा रहे हैं तो हम तरे ही क्या है, हमें अपना डोल रखना है। तो उन्होंने बोला आप तो कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी, पार्टी से सोनिया गांधी से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जो उनसे भी परमिशन लेनी थी उन्होंने बोला ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला था कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्होंने बोला ठीक है। 10 मिनट बाद उन्होंने खुद फ़ोन करता मनमोहन सिंह को, बोला जल्दी करो, डील फाइनल करो, अपना सोना रखो। उन्होंने बोला आप तो परमिशन दे कैसे दी? उसने बोला मैंने ना, सीधी बात है, मैंने देशभक्त से बात कर ली है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और वो कौन सी पार्टी दे आप तो मालूम है, नरेंद्र मोदी कौन है वो भी देशभक्ति है, जितना दाम इन्होंने दे उतना नहीं दिया इसने। तो चाहेंगे नहीं कि सरकार बदले, एक बार फिर मौका दे कांग्रेस को? मैडम दे दिया ना, मतलब आप क्या चाहते हो कि सारे गद्दारों तो अब ये बोलते हैं कि देश बेचते रहो, मुझे तो बस एक चीज़ बता दो, वो MOU जो चाइना के साथ साइन करा उस दो क्या है बस। चलो ये भी छोड़ दो, मुझे ये बता दो जब राजीव गांधी मरा था उस तक DNA सैंपल राहुल गांधी का क्यों नहीं दिया, या तो ये बता दो मुझे, तो उस तो बता दो कि उन्हें अगर मैं वोट दूँ तो किस यहाँ पर दे दूँ राजीव गांधी, ये बता दो जो भोपाल में दहशतान हुआ था उसका असली मुजरिम कहाँ दिया, और उसे छोड़ने की शर्त में क्या हुआ था, या तो ये बता दो। आपने इतनी सारी चीज़ें गिनवाई लेकिन इसके बाद भी परसों जो इंडिया, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसमें वो कह रहे कि इंडिया अलायंस की सीटें आएंगी और अच्छी खासी सीटें आएंगी। मैडम वो पिछली बार भी शायद उन्होंने यही बोला था, अब राहुल गांधी तो ये भी बोलते मैं ऐसी मशीन लाऊंगा जिसमें आप क्या आलू डालो दे सोना निकलेगा।
मैंने बोला वो मशीन आ दे दिया, बोलने तो नहीं होता ना, काम भी कर लो। चलो अखिलेश जी से पूछ लो कि भाई आपके पिताश्री जो थे जब उत्तराखंड बन रहा था तब आपने, आपके पिताजी ने उत्तराखंड की लड़कियों से क्या करवाया था, पूछ लो ना जरा एक बार, जवाब है। जब वो पीस मार्च लेता दिल्ली आ रहे थे तो मेरठ में क्या करवाया था उन्होंने, सहारनपुर में क्या करवाया था, आपके पास जवाब है? नहीं, पूछ लो जरा अखिलेश जी से ये पूछ लो कि भाई साहब आपने अपने टाइम पे कितना काम करवा लिया था, आप भी तो 5 साल रहे हो यूपी में। तो नहीं आनी चाहिए किसी भी विपक्ष की सरकार, नहीं आनी चाहिए आई ही नहीं, आई ही नहीं, नहीं आई, नहीं। भरोसा है आपको? भरोसा है आपको? मुझे यकीन है, यकीन है। अच्छा जो ये मोदी जी कहते 400 पार सीटें आएंगी, लगती आएंगी? वो 400 पार नहीं बोल रहे, वो 405 पार बोल रहे हैं। 5 पार आ जाएंगी आराम से आ जाएंगे। तो फिर विपक्ष के खेमे में कितनी जाएगी? बात ही विपक्ष के पास ही है, वैसे ज्यादा ही आएंगे, 405 से ज्यादा आएंगे इससे। अच्छा आपको भरोसा है ये, क्योंकि मोदी जी तो गारंटी दे, मुझे यकीन है। अच्छा यकीन है आपको, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से मतदान शुरू हो गया, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, क्या माहौल है? बीजेपी का ही माहौल, बीजेपी का कैसे भाई? तो सबसे पहली बात राम मंदिर की वजह से, और दूसरा वो देश के बारे में सोचते हैं इस वजह से। बाकी केजरीवाल को तो आप देख ही सकते हो, दिल्ली में जेल में जा चुका है। तो बीजेपी को ही आना चाहिए फिर से? बिल्कुल बीजेपी को ही आना चाहिए, कांग्रेस को मौका नहीं देंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस तो पहले लूट के जा चुकी है। अच्छा। बीजेपी ही ठीक है, क्योंकि वैसे भी दिल्ली में तो खासकर बीजेपी और आनी चाहिए, क्योंकि सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट एक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। इस वजह आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने भारत जोड़ने के लिए उन्होंने दो दो यात्राएं निकाली, उसके बाद भी लोगों को भरोसा नहीं है? उस यात्रा से कोई भारत नहीं जुड़ा, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, उसमें लग उन्होंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं करा। तो भरोसा भी नहीं जुड़ा कांग्रेस से क्या? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, क्योंकि वो भरोसा जुड़ेगा भी कैसे, क्योंकि वो हर रैली में कोई ना कोई ऐसा एक आर्गूमेंट या कमेंट ऐसा कर देते हैं जो कि उन पर ही भारी पड़ जाता है, जो सोचना भी इंसान चाहे तो नहीं हो पाता। पहली बात तो ये कि जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को आगे खींचेगी तब तक कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा वो अपने अलग लीडर, नए लीडर्स को अगर आगे लाएगी तो फिर भी एक बार को कांग्रेस के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर वो राहुल गांधी को ही खींचते रहेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम सोचे उसके बारे में। मतलब भरोसा कांग्रेस पे नहीं है या राहुल गांधी? राहुल गांधी पे तो नहीं, कांग्रेस पे फिर भी कर सकते हैं एक बार, उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी रही है, उन्होंने देश अच्छे से चलाया भी है, लेकिन राहुल गांधी को आगे लाने के चक्कर में कांग्रेस पीछे रहती जा रही है। अच्छा, ये आपका मानना है? बिल्कुल। और पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे? पीएम मोदी तो ग्रेट है ही, ग्रेट है बिल्कुल, कैसे? हर तरह से। अच्छा। ऐसा पीएम है जो छुट्टी नहीं लेता, ज्यादा से ज्यादा काम करता है, सभी के लिए काम करता है, तो मेरे हिसाब से वो अब तक के अच्छे पीएम है। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का तो कहना है कि पीएम मोदी आराम ही आराम करते हैं। ये तो सब कहने की बातें हैं, सबसे ज्यादा आराम तो विपक्ष ही करता है, जब वो सरकार में थे तब भी देखिए अब कितने घोटाले ज़्यादा होते थे, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता, तो इसलिए पीएम मोदी बेस्ट है। पीएम की रेस में तो वही रहेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा बंदा भी नहीं दिखता है कि जो है हम जिसे सपोर्ट करें कि हाँ उनके अगेंस्ट कोई खड़ा हो सकता है, चाहे वो बोलने में लेके हो, चाहे उनकी नीतियों के बारे में हो, हर तरह से हो, पीएम मोदी हर लेवल में बेस्ट है औरों से। अगर उनके जैसा कोई या उनसे बढ़िया कोई दिखेगा तो फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन अब तक पूरी राजनीति के अंदर सभी दलों के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो पीएम मोदी को टक्कर देता हो। तो चलिए यहाँ पे और भी दो चार लोग हमसे जानते हैं, आपसे सर जानना चाहेंगे क्या लगता है किसका माहौल? सही बात है, बस एक राय आप भी अपनी दे दीजिए, पता कर लिया आपने। सर में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, एक बार आप बोल दीजिए, मैं उनसे ही पूछ लूंगी कौन बने प्रधानमंत्री सर इस बार? तो मोदी बनेंगे, और कौन बने? मोदी, और कोई लायक है नहीं बनने लायक? विपक्ष में कोई नहीं है? राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव? अनुभव नहीं है, राहुल गांधी का अनुभव नहीं है? अनुभव नहीं, अनुभव नहीं है उनका, वो तो कहते हैं वो युवा नेता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन वो जो अनुभव उनको जो ठोकर वो खाए हैं वो ठोकर अभी ये नहीं खाए हैं, देश चलाना आसान बात नहीं है। अच्छा, तो कितना समय लगेगा अभी उन्हें? अभी बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो बच्चा है, बच्चे है राहुल गांधी, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो, वो तो कह रहे हैं। बैठिए बैठिए, आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए। एक सवाल करना है, किसको चाहते, कौन है सत्ता में?
सत्ता में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, यही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी रहेगी, हमेशा कायम रहेगी। क्यों रहनी चाहिए? मैं, मेरे प्रिय हैं वो। अच्छा, आपके प्रिय है? हाँ, बहुत पसंद है। मिलना चाहते हैं 100% गारंटी के साथ। मिलना भी चाहेंगे फिर तो उनसे? हैं? मिलना भी चाहेंगे। मैं तो हमेशा मिलता रहता हूँ, सोते जगते, उठते बैठते, खाते पीते। हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। कांग्रेस में कोई नेता? कांग्रेस में कोई हमको चेहरा भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा। किसको प्रधानमंत्री चुना जाए? नहीं चुना, हमको नहीं दिखाई देता, किसी पार्टी में नहीं है। अब बीजेपी में 5-5 नेता दिख गई हैं जो प्रधानमंत्री काबिल हैं। अच्छा। बताएं नाम। हाँ, राजनाथ सिंह एक, योगी बाबा दो, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, तीसरा नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह जी, ये लोग प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। आगे बन सकते हैं, फ्यूचर में, भविष्य में आ सकते हैं, वर्तमान में भी आ सकते हैं, आने वाले काल में भी आ सकते हैं। हम पंडित हैं, वेद का ज्ञाता हैं। तो कोई भविष्यवाणी है आपकी? भविष्यवाणी, जीतेंगे 100% गारंटी के साथ। कितनी सीटों पे जीतेंगे ये नहीं बता सकता, कितनी सीटें जीते तो भविष्य बताएगा, कितनी सीटें जीत सकते हैं वर्तमान बताएगा। बस जीतेंगे। जीतेंगे। आज से मतदान शुरू हो गए हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? नरेंद्र मोदी यही आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि वो देश के लिए सोचता है, कोई देश के और कुछ सोचता ही नहीं है। वो देश के बारे में कम से कम कुछ उसके पास एम तो है, थीम है, उसके पास क्या करना है, उसके पास विज़न है। किसी और पार्टी के पास विज़न ही नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं और मिलजुल करके जो है अपना सब उसी में लगे हैं। तो विज़न तो किसी के पास होना चाहिए ना भैया। प्राइम मिनिस्टर के पास विज़न नहीं है, बिल्कुल विज़न नहीं है। दे आर विजन लेस हैं और उनके पास कोई क्या देश को करके देंगे, आगे क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कुछ उनके पास है नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी, यस डेफिनेटली। और अभी जो रिसेंटली जो इनका काम है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड्स कितनी कनेक्टिविटी है आजकल हर जगह, आप 2.5-3 घंटे के अंदर कनेक्टिविटी बड़े से बड़े सिटी पहुँच रहे हैं आप। और अपना एयरपोर्ट्स कितने ज़्यादा बन गए हैं, मतलब फैसिलिटीज तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रही हैं। डेवलपमेंट ऐसा है कि 10 साल के अंदर इतना कर सकता है कोई, पैसा भी तो उतना लिमिटेड है इंडिया के पास। सबसे बड़ी बात है कि आप आज की तारीख में जो सब जगह देख रहे हैं हालत कैसा है, नेबर कंट्रीज़ के पास खाने के लिए नहीं है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, सब जगह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंडिया के पास इस चीज़ तो नहीं। अपन लोग सेफ हैं। सबसे बड़ा अपने UPI पेमेंट है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारी खुद की करेंसी एक तरीके से देखा जाए तो। आप 20 रुपये भी पेमेंट करते हैं तो उससे कर देते हैं आप, तो ये एक अचीवमेंट्स हैं और क्या देखेंगे आप। विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो किसी काम के नहीं है, वो तो सब इकट्ठे मिल गए, किसका क्या एक टांग इधर खींचेगा उधर खींचेगा, अगर आ गई तो वो कोई देश के बारे में वो कोई नहीं सोचने वाला, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, ऐसा लगता है उसमें तो। बिल्कुल साफ सिंपल है, पहले भी हो चुका है ऐसा, ये वही चीज़ फिर हो जाएगी। इंडिया को जो मैं कहता हूँ, जो भी बने सरकार बने, लेकिन वो फुल फ्लैश बननी चाहिए, बस ये मैं चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसमें ये किसी के पर्टिकुलर में जवाब नहीं दूंगा मैं आपको, जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये मतलब जो इंडिया गठबंधन का दावा है कि हम भी हमारी सीटें भी इनसे ज्यादा, सबके पास देखिए दावे, हम कुछ हम भी थोड़ी अपना, हमारा प्रेडिक्शन अलग है, आपका अलग है, आपका सोच अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है, जैसा जिसके साथ होगा वो होगा, हमारी सोच हमने बता दिया आपको। एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे, आज से मतदान शुरू हो गए, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? मोदी की सरकार आएगी। मोदी की? इनकी आनी चाहिए पक्का? सरकार बदलनी नहीं चाहिए ना? कांग्रेस आ जाए इस बारी? नहीं आएगा। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएगा, अब कह दूं तो कांग्रेस का वो पहले वाला नहीं रहा, अब उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया। बढ़िया काम? बहुत बढ़िया। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व आपको सही लग रहा है? 101% सही लग रहा है, वो जो भी कर रहे हैं हमारे देश के लिए भले कर रहे हैं। चाहे कोई से भी सेक्टर में चले जाओ, हम तो अभी ड्राइवर हैं, ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, अनदर कोई भी नेशनल सेक्टर में चले जाओ, इंटरनेशनल सेक्टर पर चले जाओ, मोदी जी बहुत आगे हैं। अच्छा। हमारे देश के लिए भी बहुत किए हैं, हमारे लिए भी बहुत किए हैं। अच्छा। अब आगे का तो कुछ पता नहीं, चाहते हैं कि यही बीजेपी है, मोदी है, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग से एक सवाल करना चाहते हो, आज से 21 राज्यों में मतदान हुए हैं, तो क्या लगता है किसका माहौल है, कौन सी सरकार है? मोदी। मोदी यही आने चाहिए, यही आने चाहिए और यही आएंगे, मोदी और योगी। यही क्यों आने चाहिए? बहुत काम करा है इन्होंने देश के लिए। देश के लिए क्या नहीं करा, 370 हटाया इन्होंने, राम मंदिर बनाया जो 500 साल से अटका हुआ था, हैं फिर किसानों को ये वो देते हैं
हर साल में 6,000 रुपया देते हैं, फिर 2,000 की किस्त जाती है। अच्छा कर रहे हैं जो भी है मोदी। और बाहर देखो जी, मरे हैं काफ़ी के टाइम में, रोड अच्छे हुए हैं। हम गांव जाते हैं अपने यूपी में तो पहले टाइम ज़्यादा लगा करता था, आज की डेट में टाइम कम लगता है। पहले कहाँ 6-7 घंटे लगते थे, वो 2 घंटे में पहुँच जाते हैं, 4-5। फिर दूसरा, योगी जी ने गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है। हमारा कभी कभार जाना होता कि मार्केट में बैठते हैं, पहले तो लूट वूट लिया करते थे, तो आज महिलों का सामान हो रहा है, G23 हुआ है, बाहर वाली कंट्रियाँ मोदी को इतना मानती हैं, ये तो आपको भी पता है। देश की जनता मानती है उनको? देख, क्यों नहीं मानती है, देख लो, 400 वोट हो या बता देंगे वो तो। अच्छा। देश की जनता बता देगी कि क्या है। 400 पार हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होएगा, कोई कोई 100%। अच्छा, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए? नहीं, हम नहीं कह सकते किसी को कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो जो चल रहा है वो चलना चाहिए। जो काम कर रहा है हम तो उसको सलाम है जो। हाँ, ये हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि वो नहीं आना चाहिए, लेकिन जो इस टाइम चल रहा है ना, जो माहौल चल रहा है वो ही अच्छा है। अच्छा। जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, इस पे क्या राय है आप लोगों? देखो जी, ये तो गठबंधन क्या ठगबंधन है ये। इसमें कोई चेहरा है पीएम के लिए? कोई है चेहरा? कोई नहीं है ना। अगर ये अदरवाइज जीत भी गए तो ये तो आपस में लड़ जाएंगे कि मैं पीएम मैं बनूंगा, पीएम मैं बनूंगा, पीएम मैं बनूंगा। कोई है इनके पास? तो नीतीश जी बिहार से, वो फिर हाँ दूसरी पार्टी में गए, फिर नीतीश जी इनमें आ गए, तो यही कारण था ज्यादा। यही कारण था। तो मोदी 400 पार, जय श्री राम, आराम से। हाँ, हमारे उधर तो इलेक्शन है। हाँ, मोदी जी के उसमें ना, ये हर इंसान को ऐसा लगता है कि हमारा देश मजबूत हो रहा है। ये चीज़ है कि हम इस टाइम पे ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे को मोदी जी संभाल लेंगे हर चीज़ को। जैसे अभी ये कोरोना में सबको इन्होंने संभाल लिया, इतना बड़ा होता कि फर्स्ट टाइम हुआ था हमारे यहाँ पर ये, मतलब हर देश में मुझे लगता है फर्स्ट बार ही हुआ था ये, मगर मोदी जी ने सब संभाल लिया। उससे लोगों को हिम्मत मिलती है। वैक्सीन भी दी। 370 बड़ा मुद्दा था जी, राम मंदिर का 500 साल पुराना मुद्दा था, तो ये बहुत कुछ किया जी इन्होंने देश के लिए, बहुत कुछ किया मोदी जी। तो इस बार बीजेपी आती है? 100% बहुमत से आएगा। पूर्ण बहुमत? पूरे बहुमत से आएगा। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरे बहुमत से आएगा। ये आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि अगर इस बार भी आती है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे, किस क्षेत्र में आपको बदलाव चाहिए? तो ये तो ट्रेलर थे, अब तो आगे पता लगेगा क्या होता। पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर बाकी है। भ्रष्टाचार तो खत्म हो जाएगा, कम से कम जो देश में भ्रष्टाचार है उसको तो खत्म कर देंगे, और भी कुछ नहीं करेंगे तो पूरा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। आपसे, आज से मतदान शुरू हो गए, किस राज्य में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? कुछ राय तो होगी कि बीजेपी या कांग्रेस आनी चाहिए या कोई और पार्टी? बीजेपी आनी चाहिए। यही क्यों हुआ है? क्योंकि आजकल बीजेपी का ही चल रहा है, उसी को आना चाहिए। काम कैसा कर रहे हैं? काम तो ठीक ही चल रहा है अभी। सही काम कर रहे हैं। हाँ। पीएम मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पीएम मोदी के लिए यही कहना चाहूँगा कि फिर से पीएम मोदी आए और इसी तरह फिर से चलाए वो। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ, हुआ। कहते हैं मेरे राज्य में विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। चाहते हैं एक बार फिर आ जाए बीजेपी। हाँ, बीजेपी आए। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक सवाल करना है कि चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार? मुझे नहीं मालूम। ये बता दीजिए, बीजेपी आनी चाहिए या कांग्रेस? अब हम तो वोट ही नहीं दे पाएंगे, घर जाएंगे, हमारा वोटर आईडी गांव की है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो जौनपुर का हूँ। अच्छा, तो जौनपुर तो मैं देखो मिला समय तो जाऊँगा, नहीं तो मुश्किल ही है वैसे। अच्छा, वैसे क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? ये मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं चाहते? आप बताइए सर, क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? पता नहीं, मोदी जी ही बनेंगे। और कौन? यही बनेंगे। हाँ जी, यही बनने चाहिए। हाँ, यही बनने चाहिए। और कौन? या बदलाव चाहते हैं? नहीं, जो है बदलाव तो हो ही तो रहा है। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो चलेगा? मैम, कांग्रेस में आने में दिक्कत नहीं है, पर उनके पास ना एकजुटता नहीं है। अगर अपोनेंट मजबूत रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, पर ऐसा ना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है उनके पास, विपक्ष के पास। हाँ जी, बस ये दिक्कत है। बाकी इतने साल तो कांग्रेस ने भी चलाया है देश को, पर अभी फिलहाल उनकी स्थिति कमजोर है। हाँ जी, एक सवाल करना है, चुनाव पे क्या राय है आपकी? चुनाव पे यही राय है हमारी तरफ से कि आम आदमी पार्टी को जीता। आम आदमी पार्टी? और केंद्र में? केंद्र मोदी साहब जिंदाबाद। यही आने चाहिए राहुल गांधी या कांग्रेस को? अरे वो साहब, उनकी तो मट्टी खराब हुई पड़ी है, वो कहाँ से आएंगे? कैसे? अभी तक कभी उन्होंने कोई ऐसा कुछ हुआ है? जब तक शीला दीक्षित गई है उसके बाद ऐसा कांग्रेस का कोई ऐसा कोई ठोस बंदा ही नहीं आया। राहुल साहब तो ऐसे ही हैं मेरे हिसाब से, तो अभी एक बार भी उन्होंने कामयाबी नहीं मिली है उनको।
राहुल गांधी पे क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है? नहीं, वैसे अच्छे आदमी है मगर पार्टी में सही है मगर आई नहीं है कभी। राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? अरे मैडम बहुत ही मुश्किल है, अगर उनकी किस्मत अच्छी हो तो वैसे लगते नहीं। मुश्किल क्यों है, आप तो किस्मत पे कह रहे कि अगर किस्मत अच्छी हुई। मैडम अभी तक ऐसा कुछ उन्होंने काम ही नहीं किया ना, काम नहीं हुआ। हाँ, जब से शीला दीक्षित जी गई हैं उसके बाद ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी का कि जो कुछ उद्धार हो सके। सहमत आप इनकी बात से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है? नहीं, बीजेपी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, केंद्र में भी होनी चाहिए और दिल्ली के अंदर भी बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे केजरीवाल सही काम नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो ठीक है, अपने यहाँ पे जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन बीजेपी आनी चाहिए इस बार तो। बीजेपी आनी चाहिए यार, दिल्ली में भी और केंद्र में भी। हाँ, बाहर भी और यहाँ पे दिल्ली में भी। तो देखा आपने, ये थी जनता की राय कि कौन बने प्रधानमंत्री। जैसे कि आज 21 राज्यों में मतदान शुरू हो गए और मतदान हो चुके हैं, ऐसे में अब जनता की जो राय है वो बहुत अहम हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है कि वो किसे अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, किसे चाहती है कि वो सत्ता में उनकी रक्षा करे, उन्हें प्रोटेक्ट करे। तो कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सृष्टि शाह।